नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पीएस इन्फो। दोस्तों, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते वक्त आप सब ने ये इशू तो फेस किया ही होगा कि आपका जो ऑडियो है वो वन साइडेड साउंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो या तो लेफ्ट साइड अलाइंड है या तो राइट साइड अलाइंड है। अब ऐसे केसेस पे क्या होता है कि साउंड आपकी चाहे कितनी भी क्लियर हो, एक ऑडियो लिसनर को उसका प्रॉपर एक आउटपुट का जो क्वालिटी है वो समझ में नहीं आता। तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं? तो मिसाल के तौर पे मैंने ओडासिटी ओपन कर लिया है और ओडासिटी में मैं अपना एक पॉडकास्ट जो मैंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया था उसको लेकर आता हूँ। तो अगर हम ओडासिटी में कोई भी चीज़ को इस तरह से इंपोर्ट करते हैं तो आप देखिए कि ये ड्यूअल चैनल में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूअल चैनल मतलब लेफ्ट अलाइंड एंड राइट अलाइंड, या फिर राइट चैनल या फिर लेफ्ट चैनल, राइट। इसको अगर हम सुनते हैं तो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। वैसे तो ये ठीक ठाक रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम इसका, जैसे ये लेफ्ट एंड राइट है, राइट, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से साउंड करे, पहले हम इसको सुना लेते हैं कि किस तरह से ये साउंड कर रहा है। कितना आसान होता है ये कह देना कि, तो आप सुन सकते हैं कि ये एक दोनों साइड में बराबर साउंड कर रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि ये लेफ्ट अलाइंड है। अगर लेफ्ट अलाइंड है, मान लीजिए ये लेफ्ट अलाइंड मैंने कर दिया 50% लेफ्ट। अब हम इसको प्ले करते हैं। कितना आसान होता है ये कह देना कि आपने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया, कितना आसान होता। अब देखिए, जब हमने इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया तो यहाँ पे आप बार को देख सकते हैं, राइट में साउंड कम आ रही है और लेफ्ट पे ज़्यादा, राइट। इसको अगर हम और बढ़ा देते हैं, 70% कर देते हैं, फिर उसको प्ले करते हैं। कितना आसान होता है ये कह देना कि आपने मेरे लिए, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये अगर आप ईयरफोन या फिर हेडफोन नहीं पहनते हैं तो शायद आपको पता ना चले। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ईयरफोन या हेडफोन पहन के गाने या फिर पॉडकास्ट सुनते हैं। तो सबसे पहले ये जो चैलेंज है ये किसी भी पॉडकास्टर का जो एक्चुअल ऑडियंस बेस है उसको ख़राब कर सकती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, उनको साउंड किसी एक तरीके से सैचुरेटेड दिखेगा और दूसरे साइड में बिल्कुल कम सुनाई देगा, और उस केस में वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके लिए करना चाहिए, सबसे पहले तो हम कोई भी स्टूडियो ट्रैक, या फिर जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और आपने उस ऑडियो को ऑडासिटी में इम्पोर्ट कर लिया, तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टीरियो ट्रैक के तरह से कनेक्ट होगा। अब जब ये कनेक्ट होगा तो उसको करना है आपको राइट क्लिक एंड स्प्लिट स्टीरियो टू मोनो। अब देखिए, इस तरीके से ये दोनों पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर सुनेंगे तो ये इक्वली बजेगा। कितना आसान होता है, ठीक है। अब आप इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे तो ये मोनो में कन्वर्ट हो गया। अब मोनो में कन्वर्ट होने के बाद ये आपके दोनों साउंड, मतलब दोनों आपके ईयर ड्रम में इक्वल लेवल पे साउंड करेगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एक्चुअली सही एग्जांपल नहीं है, बिकॉज वो मैंने सिर्फ वॉल्यूम को अप एंड डाउन किया था। पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको अनडू कर दूँ तो ये स्टीरियो इफेक्ट है, राइट। ये स्टीरियो आपके दोनों चैनल्स में बराबर जा रहा है। अब मैंने इस साउंड को रिकॉर्ड किया था मोनो में तो इसी वजह से ये बराबर है, लेकिन अगर मैंने स्टीरियो में रिकॉर्ड किया होता तो स्टीरियो रिकॉर्डिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड स्पेसिफिकली फॉर पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग। तो उस वजह से क्या हो जाता कि साउंड कहीं ज़्यादा होता कहीं पे कम होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको मोनो में कन्वर्ट कर ले या फिर रिकॉर्डिंग करते वक्त मोनो में रिकॉर्डिंग करें। अब कैसे मोनो में रिकॉर्डिंग होता है, पहले तो मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से आप स्टीरियो को सेपरेट कर लें और एक को रिमूव कर दें तो ये नॉर्मली एक मोनो ट्रैक हो जाएगा जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज एन MP3 एंड आपका काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको एक मोनो ट्रैक रिकॉर्ड करना है ओडासिटी में बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना है ट्रैक पे, ऐड न्यू मोनो ट्रैक। तो आप हमेशा देखिए मोनो ट्रैक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप मोनो ट्रैक सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये आएगा। आप देखिए ये 32-bit फ्लोट है और ये 24-bit PCM है। ये सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो ये आपका 32-bit फ्लोट 16-bit PCM इस तरह से आता है, ठीक है। और ये 44/100 हर्ट्ज़ में नॉर्मली रहता है। तो देखिए ये बिट का क्या सीन है,
बिट जो होता है वो हाई डेप्थ एंड बिट रेट आपको वैसे तो नॉर्मली पता नहीं चलेगा, वो फाइल साइज को थोड़ा सा बड़ा भी करता है लेकिन क्वालिटी वाइज और ज़्यादा इन्हेंस करता है। लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर माइक्रोफोन हो, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। एक नॉर्मल सिचुएशन में 16 बिट पीसीएम इज़ मोर देन एनफ, तो आप 16 बिट पीसीएम कर सकते हैं जिससे साउंड प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर रिकॉर्ड करना लेट सपोज मैं शुरू करता हूँ अभी। मान लीजिए कि मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है उसका एक ग्राफ भी बन रहा है। इसको अगर हम जूम इन कर लेंगे तो इस तरीके से वो एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अभी हम इसको सुनते हैं। यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है उसका एक ग्राफ भी बन रहा है। इसको अगर हम जूम आउट कर लेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एक आइडियल रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो आपको 16 बिट मोर देन एनफ है एक नॉर्मल पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अभी आप हाई लेवल पे पॉडकास्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहे। अगर आप पॉडकास्ट प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे करेंगे, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मतलब गियर्स हैं, तो आप अलग सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो 16 बिट जो बेसिक है, 16 बिट एंड 4400 जो प्रोजेक्ट रेट का हर्ट्ज़ है, ये आप रखिए। और उसके बाद जैसे रिकॉर्ड हो जाए, बाकी एडिटिंग आपने मेरे चैनल में ऑलरेडी देखा होगा ऑडेसिटी से रिलेटेड जो मैंने डाला है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी और आपके जो साउंड का दोनों साइड का जो चैनल बैलेंस है वो बहुत सही रहेगा। तो उससे आपकी पॉडकास्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। उसको आप एक्सपोर्ट करने के बाद अब जो अपने प्लेटफॉर्म है, होस्टेड प्लेटफॉर्म, उस पर अपलोड करके पॉडकास्ट को रिलीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। छोटा सा वीडियो था लेकिन आई थॉट दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं काफ़ी पॉडकास्ट सुनते रहता हूँ और मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के साथ ये चैलेंज आ रही है। तो उम्मीद है ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद आपको वो चैलेंज नहीं आएगा। तो बने रहिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। इसी तरह के टेक्निकल हैक्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ इस चैनल में, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करके अगर आपको वैल्यू मिला है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आइडिया पता चले और वो अपने पॉडकास्ट में इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।